ऐसा नहीं है, नीचे आ भगवान जी। राधे राधे। इस तरह काफी मस्त लग रहा है कुंज देखने में, अगर आप लोग आते हैं तो। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं अभी पहुंच गया हूं, अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, और देखिए इस तरह का नज़ारा अभी है। तो अभी मैं आज भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं आप लोगों को अभी जो परिक्रमा कैसे चल रही है, सुबह सुबह कैसे होती है, और मैं 73 जो कुंज लगे हैं उसमें पिछला वीडियो में दिखा नहीं पाया था मैं, तो आज कोशिश करूँगा सारे कुंज को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते कुछ इस तरीके से। छोटे घर लो बड़े नमस्कार, हाय नमस्ते, कौन से हाल चाल, सत श्रीकाल, इन सब लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप देख रहे हैं ब्लॉगर बबलू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ बिरुडू के पावन धरती डारपा में। तो चलिए अब चलते हैं, को देखते हैं नज़ारा कुछ इस तरह का। और चलिए अब चलते हैं जहाँ परिक्रमा और उधर दिखाते हैं और यहाँ का क्या क्या नज़ारा, को मॉर्निंग टाइम आएंगे तो क्या क्या देखने मिलेगा। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई को सपोर्ट करो ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी 73 कुंज की ओर जा रहे हैं और जहाँ पर सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, आकर व्यू दिखाता हूँ। चलिए आप लोग बैक कैमरा से व्यू देखिए, आप लोग देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे और यहाँ देखिए कितना भीड़ लग चुका है और सभी परिक्रमा करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं तो सुबह के टाइम आ सकते हैं और यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे देखते हैं ये है मेन हम लोग का यज्ञ का, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और चारों तरफ भीड़, सभी तरफ भीड़ है। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको बारी बारी से सभी कुंज के जा रहे हैं और सभी परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए सभी अपने हाथ में अगरबत्ती लिए सभी इधर परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप लोग भी आते हैं तो आराम से यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। जिससे आप लोग को दिख रहा होगा सभी तरह के कुंज को देख सकते हैं आप लोग, ये इतने सारे कुंज है। तो आज मैं पिछले वीडियो में दिखा नहीं पाया था मैं सभी कुंज को, तो आज मैं कोशिश करता हूँ सभी कुंज को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी भीड़ जम चुका है और मॉर्निंग टाइम आएंगे तो आपको इतना फेस करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम में लोग कुछ ज़्यादा ही लोग परिक्रमा करने आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे हैं, आप लोग आएंगे तो इस तरह पे अगरबत्ती जला सकते हैं आप लोग यहाँ के। वो देखिए इस तरह का, और इसके बगल में भी यही कुंड है और यहाँ परिक्रमा लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये नज़ारा आपको देखने मिलेगा अगर सुबह के टाइम आएंगे तो, आपको इतना सारा भीड़ देखने के मिलेगा क्योंकि अभी सुबह में काफ़ी लोग फ्री रहते हैं और इसी टाइम में सभी ज़्यादा परिक्रमा करते हैं लोग। वो देख सकते हैं इस लाइन से, इस तरह से कुंज को लाइन कतागार द्वारा बनाया गया है और इधर देखिए इतना उधर लास्ट तक गया बना हुआ है इधर, और काफ़ी भीड़। हाँ चलिए, तो जैसे कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर डोंडी बाबा रहते हैं, तो देखते हैं वहाँ से आप लोग क्या क्या देखने के लिए नज़ारा मिलता है। तो जैसे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ दौड़ भी दे रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आके दौड़ दे सकते हैं। और ये है हमारे यहाँ जो कलश यात्रा जो हुआ था यहीं पर कलश को रखा गया। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग इतने सारे कलश हैं इधर, और यहीं पर जो डोंडी बाबा जाते हैं यहीं पर आते हैं और वहाँ पर अपने यज्ञ करते हैं। तो अभी देख रहे हैं अभी इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ पर। ये हमारे मेन जो कुंज है उसके बाहर में देखे कितने भीड़ है और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ परिक्रमा करने के लिए यहीं पर जुट चुके हैं। तो देखिए ये नज़ारा दिखाने को इस तरह सामने से आपको, तो ये देखिए आप बोलिए, काफ़ी लोग यहाँ अगरबत्ती में जा रहे हैं। तो बोलिए जूदा का बोलिए, शुरू हो चुकी है, सुबह का 8 बज रहे हैं अभी और भक्तों की भीड़ लग चुकी है। देख सकते हैं ये जो कुंज है 73 कुंज काफ़ी बड़े जगह में ये बिखरे देख सकते हैं यहाँ पर सामने इस तरह से इधर आके। तो मैं अभी आया हूँ कुंजरी कुंज के सामने आया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर भी भीड़ है। वो इस तरह से भी देखते हैं सामने खेत उत है इधर, सभी तरफ देखते हैं दूर 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 इतने दूर तक इसको बनाया गया ताकि, क्योंकि ये 73 कुंज ये आसान नहीं होता है, 73 कुंज बहुत बड़ा उसके लिए जगह चाहिए। तो देख सकते हैं मैं चलते हैं आप और कुंज की ओर, और सभी कुंज को दिखाना यार पॉसिबल नहीं बना, लेकिन यार मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ आपको। और जिससे हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर है मानती कुंज, ये हमारे मानती कुंज सामने है और इस तरह का नज़ारा देखिए आप लोग।
तो आप आराम से आगे यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं सभी कुंज का। और आप लोग अगर सभी कुंज का परिक्रमा करना है तो लगभग आपको 1 से 2 घंटा आपको लग सकता है। आपको मैं आया हूँ अंतिम कुंज की तरफ से, और यहाँ के बाद कुंज आपको नहीं मिलेगा, तो मैं अंतिम कुंज की तरफ आ चुका हूँ। तो देखिए आज मैं पूरी कवर कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह कुछ नज़ारा अभी, और काफ़ी लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए और एक बार इधर देखते हैं, उधर जा फैला हुआ उधर सभी कुंज। मैं अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये अंतिम कुंज है, यहाँ के बाद आपको कुंज नहीं मिलेगा। और देखिए चारों तरफ सिर्फ कुंज का नज़ारा आप लोग, और सभी कुंज में सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और यार सबसे बड़ी बात है 73 कुंज को परिक्रमा करना, वो छोटी बात नहीं है। तो अगर आप लोग भी आते हैं तो यार सभी को कवर करने की कोशिश कीजिएगा परिक्रमा, क्योंकि ये साल में क्या ये पहली बार एक युग में पहली बार हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करने की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस कुंज को मैं परिक्रमा करने की मैं कुछ आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इस तरह से लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे 73 कुंज का दर्शन कर चुके हैं, और सभी कोई दर्शन करने के बाद अपने अपने घर के लिए भी प्रस्थान कर रहे हैं। और सुबह के 8 बजे ये लोग आए हुए हैं और इस कुंज का दर्शन कर रहे हैं। तो सारे कुंज का दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सारे कुंज का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। देख सकते हैं अभी जैसे जैसे मॉर्निंग के ज़्यादा टाइम हो रहे हैं, व्यू देख सकते हैं आप लोग, भीड़ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सुबह आएंगे तो आप लोगों को आसानी से देख सकते हैं। सभी लोग अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर अभी डांडी होगा, यहाँ पर अभी तपस्या करेंगे। ये देखिए ये जगह यहीं पर आएंगे अभी वो, और आगे देख काफ़ी लोग देखते हैं दौड़ भी दे रहे हैं आप लोग। इसी तरह दौड़ दे के डांडी बाबा पहुँचे थे बाबा धाम। तो नायक जी अभी हम लोग जो परिक्रमा का वीडियो बना रहे थे, आपको कैसा लगा अभी तक बताइए? अभी तक मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, और मैं सुबह के 7:30 से 8 बजे के बीच यहाँ पे पहुँच चुका था, और यहाँ का जो व्यू था वो काफ़ी दर्शनीय व्यू था, देखने लायक व्यू था। और लगभग हम लोग सभी कुंज को घूम चुके हैं और सभी कुंज का व्यू आप लोगों को भी दिखाए हैं, और परिक्रमा किस तरह से हो रही है आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने के लिए मिला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करके आप लोग भाई का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।